टॉपिक छोटा है लेकिन इम्पोर्टेंट है, और इसको पिछले क्लास में थोड़ा बहुत डिस्कस किए भी, लेकिन कोशिश करेंगे कि डिटेल में पढ़ाने का। और कंडीशनल सेंटेंस वैसे आसान टॉपिक है, इजी टॉपिक है, और जो लोग नए हैं आज पहला क्लास शायद समझ में आए। कंडीशनल का सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होता है कि जो भी आप कंडीशन रखते हो, मान लीजिए कि आप किसी के सामने एक शर्त रख रहे हैं, कोई भी एक शर्त रखता है, तो क्या चाहते हैं उसका उत्तर? आपके दिमाग में दो होता है ना, एक ही उत्तर होता है। आप किसी के सामने मान लो शर्त रखते हो, समझने की कोशिश करते हैं, मान लीजिए किसी के सामने आप शर्त रखते हो, कंडीशन रखते हैं, किसी के सामने अगर शर्त रखते हो तो उसके कितने उत्तर संभावित उत्तर है? देखिए दो नहीं, इसीलिए मैं शर्त रखा गया है ना। आप किसी के सामने शर्त रखते हो इसका मतलब ये है कि आप उसे एक ही उत्तर चाहते हैं, तो आप अगर मान लीजिए किसी से शर्त रखे कि ये करोगे तभी हम तुमको देंगे, इसका मतलब एक ही उत्तर चाहते हो कि ये करना ही है। कंडीशनल सेंटेंस जो होता है वो अपने आप में एक श्योर इवेंट, श्योर इवेंट, और एक होता है ऐसा इवेंट जिसका होना बहुत तय है, मतलब लगभग होगा लेकिन वो श्योर होना चाहिए, बात समझ ना। तो कंडीशनल जो क्लॉज होता है उसका नेचर जो अगर मैं बोलूं क्या है, कैसा नेचर है? श्योर इवेंट का नेचर। अब श्योर इवेंट कैसे डिसाइड होता है, तुम लोग बहुत सारा जब हेल्पिंग हैंड पढ़ाएंगे तो ऑक्सिलरी मॉडल देखोगे, उसमें बहुत सारा ऐसा मॉडल है जिसका मूड क्या है, श्योर इवेंट बताता है, कुछ ऐसे ऑक्सिलरी जिसका मूड क्या बताता है, प्रोबेबल इवेंट्स बताता है, मतलब हो सकता है नहीं हो सकता। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, चैप्टर में बाद में आ रहे हैं, पहले थोड़ा मॉडल्स की बात करते हैं। जैसे मान लो हम बात करते हैं शैल और व्हील का, ये कैसा इवेंट देगा, श्योर देगा या प्रोबेबिलिटी देगा? तुमको मालूम है कि सिंपल फ्यूचर का ये ऑक्सिलरी है ना, ये क्या बताता है कि घटना होगी, हो सकती है नहीं भी हो सकती है। कोई भी फ्यूचर का घटना अगर आप देखते हो तो एक ऐसा इवेंट है जो कि श्योर कभी नहीं है, कल क्या होगा किसी को पता है, कभी नहीं मालूम। इसलिए शैल और विल ऐसे ऑक्सिलरीज हैं जो हमेशा क्या बताएंगे, प्रोबेबल इवेंट बताएंगे, कभी श्योर इवेंट पर बात करेंगे क्या? आप लोग बताइए, ऑनलाइन जो लोग हैं कभी श्योर इवेंट पर बात करेगा? नहीं सर। अच्छा मान लीजिए हम बात करते हैं श्योर या उल, सोच के देखें क्या ये श्योर इवेंट पे बात करेगा, प्रोबेबिलिटी बताता है किसी घटना के होने का, हाँ नहीं भी हो सकता है, एडवाइस क्रिएट करता है, ये भी प्रोबेबिलिटी बताता है, नहीं भी हो सकता है ना। बहुत सारे ऐसे इवेंट मिलेंगे जो कि इस तरह का काम। सर शुड और वुड का यूज कैसे करते हैं ये थोड़ा बताइएगा, पढ़ाएंगे जब हम मॉडल ऑब्जर्वेशन पे काम करेंगे तब आपको ये बात पता चलेगा, फिलहाल अभी जो टॉपिक है उसके ऊपर। ठीक है, तो इस तरह से ये जो ऑब्जर्वेशन आप देखते हो, ये सारे ऑब्जर्वेशन क्या है, ये सारे ऑब्जर्वेशन आपको क्या प्रोवाइड करते हैं, प्रोबेबिलिटी बताते हैं, समझ में आया? इसकी सर प्रोबेबिलिटी मतलब अनिश्चितता, प्रेजेंट इंडेफिनिट, एक ऐसा संभावना, श्योर है, हाँ राम आम खाता है, श्योर नहीं है खाता है, इसमें कोई दो राय है, नहीं खाता है, वो भी श्योर है, नहीं है श्योर है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो क्या अपनी श्योरिटी बताता है, जैसे राम बाजार जा रहा है, इसमें कोई दो राय है कि वो नहीं जाएगा, है ना, ये तरह का श्योर इवेंट बताता है। क्या श्योर होगा? बिल्कुल श्योर होगा, क्योंकि काम तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, उसका तो श्योर होना एकदम तय है, नहीं है। तो ये सारे इवेंट जो है ये आपको क्या मिलेंगे, श्योर इवेंट्स पे बैठे जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए अभी जब आप चैप्टर में इंटर करोगे, आपको हम जो भी अलग अलग टाइप बताएंगे आपको दिखेगा, बेसिकली वो कोई निश्चित टाइप नहीं है, फिक्स नहीं है, लेकिन उसके कोर को अगर आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये काम कैसे हो रहा है। हम लोग सिर्फ मिरर के पॉइंट ऑफ व्यू से 8-10 से 15 मिनट एग्जांपल कराएंगे। सर एक क्वेश्चन है सर, सर मैं ये कह रही थी कि जैसे मतलब अब जो कहते हैं कि ट्रेडिशनल इंग्लिश के अंदर तीन टेंसेस माने जाते हैं, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर,
बट इन मॉडर्न इंग्लिश हम लोग फ्यूचर को कंसीडर नहीं करते, तो उसका क्या अल्टरनेटिव है सर? एक बार अपना क्वेश्चन रिपीट करिए। सर जैसे कि कहते हैं कि इंग्लिश के ट्रेडिशनल तरीके से अगर देखें तो 3 टेंसेस होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, लेकिन इन मॉडर्न इंग्लिश फ्यूचर को कंसीडर नहीं किया जाता, तो उसका क्या अल्टरनेटिव है? फ्यूचर को कंसीडर नहीं किया जाता मॉडर्न इंग्लिश में, क्यों? ऐसा कहाँ पढ़ लिया आपने? काफी सारे मतलब जितने भी मैंने अब तक देखे हैं वो सब यही बोल रहे हैं कि कंसीडर नहीं करते हैं। मॉडर्न इंग्लिश आपने पढ़ा किससे, ये तो बताइए। सर मैंने यूट्यूब पे भी देखा, सर यूट्यूब पे भी देखा था, और वैसे भी यूट्यूब तो रिलायबल सोर्स हम नहीं मानेंगे, पहला। और दूसरा, ये मॉडर्न इंग्लिश बोलकर कुछ नहीं होता, ठीक है? आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं, और मॉडर्न इंग्लिश का मतलब ये नहीं होता कि आप फ्यूचर टेंस को भी बहुत कैसा। इस क्वेश्चन पे अभी फिलहाल तो मैं बात नहीं करूंगा, थोड़ा चैप्टर डिस्कस कर लें उसके बाद, ठीक है? मॉडर्न इंग्लिश में फ्यूचर टेंस पे बात नहीं होगी, ये तो बेतुका है, ठीक है? और जहां तक बात है आपके प्रश्न का, तो मैं जहां तक समझ पा रहा हूँ, आप फ्यूचर पूरे इंटायर फ्यूचर टेंस की बात नहीं कर रही है, मुझे लग रहा है फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात कर रही है, जिसको लगभग कंसिडर नहीं करते, पोर्शन जिसको यूज नहीं करते, क्योंकि उसका इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास अल्टरनेटिव अवेलेबल है, शायद इसलिए आपका प्रश्न शायद कुछ ऐसा है, ठीक है? बात करेंगे लास्ट में, ओके? क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूअस का इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको एब्सोल्यूट मान लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है? वो पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, ऐसा कुछ भी नहीं। और मॉडर्न इंग्लिश, एक चीज आप लोगों का कंफ्यूजन और भी क्लियर कर दे, फालतू में इसमें टाइम जाएगा। मॉडर्न इंग्लिश और जो आप लोग ट्रेडिशनल पढ़ते हो, ये डिफरेंस क्या है पता है? मॉडर्न इंग्लिश और ट्रेडिशनल इंग्लिश का डिफरेंस, ये शेक्सपियर के प्ले में जो भाषा लिखी जाती थी वो भाषा है, और अभी जो नॉर्मल आप इस्तेमाल करते हो, मतलब पहले थोड़ा सा लैटिन का प्रभाव ज्यादा था और अब वो प्रभाव कम है, ये डिफरेंस है। ग्रामर में कोई अंतर नहीं आया, ठीक है? वो बस जो आप वर्ड इस्तेमाल करते हो, जो एक्सेंट इस्तेमाल करते हो, उसमें थोड़ा सा बदलाव है, ग्रामर में कोई बदलाव नहीं, ठीक है? यस सर, यही है। हाँ, इसका तर्क दिया गया है वो ये कहा गया है कि फ्यूचर डेफिनेट नहीं है, मतलब हमें नहीं पता व्हाट इज फ्यूचर, तो इसीलिए उसको कंसीडर नहीं, पता नहीं सर। एक चीज सुनिए, पहली बात ये कि फिलहाल मैं कंडीशनल सेंटेंस पढ़ा रहा हूँ, दूसरी बात ये कि आपने जो प्रश्न किया है कि फ्यूचर को कंसीडर नहीं करते, ये मेरे राय से तो गलत है, ठीक है? ग्रामर में फ्यूचर टेंस एग्जिस्ट करता है, और आपके लाइफ में भी फ्यूचर टेंस एग्जिस्ट करता है, किसी भी संभावना को अगर आपको लिखना है, लिखना पड़े, तो आपको उसके लिए वुड का इस्तेमाल करना ही होगा, उसके लिए शुड का इस्तेमाल करना ही होगा, और उसके लिए शैल विल का इस्तेमाल करना ही होगा, इसके अलावा आपके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है। और अगर ऐसी बात है तो आप सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट में जी सकती हैं, फ्यूचर फिर पूरा ब्लैंक रहेगा, ठीक है? बात खत्म, इसके बाद हम कंडीशनल सेंटेंस की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए, कंडीशनल में पहला जो देखिए, कंडीशनल का बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है, उसको मैं डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले आपने ये देखा कि जो कंडीशनल सेंटेंसेस होंगे, रादर क्लॉज होगा, वो श्योर इवेंट वाले होंगे, ठीक है? तो जिसमें से पहला ही आपने बोला कि हाँ, इनडेफिनेट जो है वो कंडीशनल हो सकता है, क्यों? क्योंकि वो एक श्योर इवेंट बनता है, तो उस आधार पर हम एक सेंटेंस ले रहे हैं। और अभी एक चीज इंपॉर्टेंट जो आपको नोट करने लायक है, वो ये है कि जब आप एक सेंटेंस लिखोगे तो नोट करिएगा कि उसमें दो अलग अलग क्लॉज होगा, एक कंडीशनल क्लॉज होगा और दूसरा रिजल्ट क्लॉज होगा, या मेन क्लॉज जो आप बोलते हो वो क्लॉज होगा। तो हमने अभी जो बातें की हैं श्योर इवेंट की या प्रोबेबल इवेंट की, ये सारी बातें सिर्फ और सिर्फ कंडीशनल क्लॉज के लिए होती है, ये मत समझिएगा कि पूरे सेंटेंस के लिए हमने ये अप्लाई किया है। बात समझ में आई? अभी आप एप्लीकेशन देखोगे क्लियर हो जाएगा। एक उदाहरण लिखिए, If I come to Delhi, I will meet you. अगर मैं दिल्ली आता हूँ, मैं तुमसे
मिलूंगा, बहुत ही सिंपल सा, हर बार यही कराते हैं। हाँ तो हमको नया कुछ कराना भी नहीं है, एप्लीकेशन आपको करना है, हमको ग्रामर सिखाना है आपको, ठीक है। तो मोटा मोटा आपको कंडीशनल सेंटेंस में जो दिखना और देखना है वो देखो, इस पूरे सेंटेंस में जो कंडीशनल क्लॉज है वो ये है, आई कम टू दिल्ली, ठीक है। और हमारा जो ये इफ है ये इस कंडीशनल क्लॉज को इंट्रोड्यूस करा रहा है, इसलिए ये क्या है बेसिकली अगर बोले तो ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट ऑफ कंडीशनल क्लॉज, इसका पूरा नाम कुछ ये है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट ऑफ कंडीशनल क्लॉज। और छोटी भाषा में मतलब इन शॉर्ट आप इसको कंजंक्शन भी बोल सकते हो, आप इसको कंजंक्शन भी बोल सकते हो। जो कंजंक्शन क्या काम कर रहा है, इस कंडीशनल क्लॉज को इंट्रोड्यूस करने का काम कर रहा है और इसके साथ जोड़ भी रहा है, ठीक है। इफ आई कम टू दिल्ली, ये श्योर इवेंट है ना, अगर मैं दिल्ली आता हूँ, श्योर है कि आऊंगा। आप रिजल्ट पे ध्यान मत दो, क्योंकि आपको लग रहा है अगर मैं दिल्ली आता हूँ तो श्योर नहीं है, आ भी सकता हूँ नहीं भी आ सकता हूँ, हिंदी में लगाना क्यों आपको ऐसा लग रहा है, क्योंकि आप इस रिजल्ट पे फोकस कर रहे हो इसलिए ये ऐसा फील हो रहा है। अनुवाद करके मत सोचना, इनडेफिनिट अपने आप में श्योर इवेंट होता है, ये तो पता है ना। तो इसको इनडेफिनिट के तरह ट्रीट कर रहा है, प्रेजेंट इनडेफिनिट है, तो उस हिसाब से देखो दो परिस्थितियां बनेंगी, इसको बाद में पढ़ना। आई कम टू दिल्ली, दिल्ली आता हूं, तो दो परिस्थितियां बनेंगी। पहला ये कि इसका जो उत्तर होगा वो आप कुछ इस तरह से दोगे, आई विल मीट यू, मतलब सिंपल सी बात है, जब आप कंडीशन को प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते हो तो उसका जो रिजल्ट क्लॉज बनता है वो किस में बनता है, सिंपल फ्यूचर में बनता है, कोई खास बात नहीं है। कि आपको दिख रहा है कि ये किस में है, सिंपल फ्यूचर में। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ इस बात को और इसके थोड़े छोटे से वेरिएशन को। मान लीजिए ये बात मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, मान लीजिए कि आप किसी ऑफिस में काम करते हो, ठीक है, और आपके बॉस ने आज आपको कुछ बहुत फटकार लगाई, सपोज आपके बॉस ने आज आपको बहुत फटकार लगाई, यहाँ पर कितने तरह का इवेंट घट सकता है सोच के बताओ। दो तरह का इवेंट घट सकता है, या तो आप क्या करोगे, ठीक है, आप ये सोचोगे कि ठीक है आज आपने हमको सुनाया है ना, कल कोई हमको काम देना हम बताते हैं, मतलब आज जो इवेंट घटा जो कंडीशन रखा गया उसका उत्तर कब दिया जाएगा, कल दिया जाएगा, सिंपल सी बात है ना। आज जो होगा उसका उत्तर आप कब दोगे, कल दोगे, यही तो। अगर मैं दिल्ली आता हूँ मैं तुमसे मिलूंगा, तो यही तो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का उत्तर, आपने कब दिया, सिंपल फ्यूचर में दिया, बात समझ में आई। एक इवेंट पे दूसरे कुछ अलग तरह के प्राणी होते हैं जो आज के उत्तर को आज ही देना पसंद कर देते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए आज बॉस ने कुछ बोला, आप तुरंत रेजिग्नेशन लेटर निकाले और रख दे उसके टेबल पे, टाटा बाय बाय, है ना। तो इसका मतलब यहाँ है कि यहाँ दो प्रोबेबिलिटीज मतलब दो संभावनाएं हैं, दो तरह के क्वेश्चन बनेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले कंडीशनल क्लॉज के दो वेरिएशन है, एक वेरिएशन तो ये है पहला वाला नंबर ए, कि सपोज हमारा जो कंडीशनल क्लॉज है वो किसमें है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो उसका जो रिजल्ट क्लॉज है वो किसमें बनेगा, सिंपल फ्यूचर में बनेगा, बात समझ में आ रहा है। ये वाला आज का उत्तर कब दे रहे हैं, कल दे रहे हैं। और तुम लोग ये प्रश्न पूछोगे कि अभी तो कंडीशनल क्लॉज में हमने बात किया कि श्योर इवेंट होगा, शायद बिल नहीं लगेगा, तो कैसे लग रहा है यहाँ पे। कंडीशनल क्लॉज तो हमारा ये है, जो हमारा कंडीशनल क्लॉज है वो तो हमारा ये है, ये जो क्लॉज आपको दिख रहा है ये तो मेरा कौन सा क्लॉज है, रिजल्ट क्लॉज है। आपने जो भी बातें सीखी या समझी वो कंडीशनल क्लॉज के लिए सीखी, रिजल्ट क्लॉज के लिए नहीं, बात समझ में आया। तो शार्वेल का नहीं लगना, कहाँ नहीं लगना, कंडीशनल क्लॉज में नहीं लगना, एक ये वेरिएशन। और दूसरा जो उत्तर आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, बताइए इसका उत्तर आप कब देना पसंद करते हो, अभी तुरंत, यानी कि टेंस वही रहेगा, टेंस को हम चेंज करेंगे नहीं, हालांकि ये मेरा कौन सा क्लॉज है, कंडीशनल क्लॉज, और ये कौन सा क्लॉज है, रिजल्ट क्लॉज। कंडीशनल क्लॉज और रिजल्ट क्लॉज सेम टेंस में रहेंगे, अभी का प्रश्न अभी तुरंत उत्तर, ये दोनों के एग्जांपल्स मैं अभी करा रहा हूँ, वेरिएशन के साथ समझना है, नोट करिए पहले से दोनों, ठीक है। दो तीन एग्जाम्पल देख लेंगे, ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे।
आप लोग को समझ में आ रहा है जो लोग ऑनलाइन है? यस सर। यस सर। चलिए अब थोड़ा एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा और क्लियर होगा। इस इन दो पॉइंट को बस नोट करके रखिए। चलो एक एग्जांपल लिखो पहले। इफ द गवर्नमेंट बिकम्स स्ट्रिक्ट corruption would surely finish। देखो पहला वाला क्या है, अगर आज गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट हो जाती है तो करप्शन क्या होगा, खत्म हो जाएगा। आज तुरंत खत्म हो जाएगा क्या? कब खत्म होगा? इन फ्यूचर खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ना। तो ये वो वाला केस है, पहला वाला केस, जब कंडीशन को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पे रखते हैं तो उसका जो रिजल्ट हमको कहाँ दिखता है, सिंपल फ्यूचर में उसका रिजल्ट हमको दिख जाता है। ये वो वाली परिस्थिति है। दूसरी परिस्थिति को आप लिखो, क्या इसमें कुछ गलती है? आप लोगों ने नोट नहीं किया, वुड का इस्तेमाल मैंने किया, होना क्या चाहिए था, विल होना चाहिए था, ठीक है। करप्शन विल श्योरली फिनिश, वुड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है, फ्यूचर में काम कर रहे। दूसरा, दूसरी परिस्थिति लिखो, इफ इट रेन्स, अगर बारिश होती है, स्कूल रिमेन्स क्लोज, क्लोज तो पार्टिसिपल, उसको छोड़ दो, रिमेन्स हमारा क्या है, वर्ब है। देखो यहाँ भी रेन्स है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसका मतलब क्या है, हमने जो क्लॉज इस्तेमाल किया, कंडीशनल क्लॉज इस्तेमाल किया, वो प्रेजेंट में इस्तेमाल किया, प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल किया, और जो रिजल्ट क्लॉज है उसको भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रखा। परिस्थिति ही ऐसी, अगर बारिश होती है तो क्या है, स्कूल बंद रहेगा, इसका मतलब क्या, दोनों घटना एक साथ है ना, क्या ऐसी ऐसी बात हो रही है क्या, आज बारिश होगी तो कल हम स्कूल बंद करेंगे, फ्यूचर में स्कूल बंद करेंगे, ऐसी बात तो नहीं है। मतलब ये एक ऐसी घटना है जिसके कंडीशन का रिजल्ट अभी तुरंत आएगा, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर आप कोई कंडीशन प्रेजेंट करते हो तो दो संभावनाएं आपको दिखती है, एक तो ऐसी बात जिसका रिजल्ट आपको तुरंत दिख जाए, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले कंडीशनल का आंसर या रिजल्ट आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही मिल जाए, जैसे कि ये वाला एग्जांपल, अगर बारिश होती है तो क्या होगा, स्कूल बंद रहेगा, ऐसी घटना दोनों है, सोच के देखिए जो एक साथ घटेगा, बारिश होगी स्कूल बंद होगा, दो घटना है साथ साथ। लेकिन ऊपर वाले केस में क्या है, अगर गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट हो जाती है तो करप्शन रुक जाएगा, क्या आज ही रुक जाएगा, नहीं, क्या होगा, आगे रुकेगा। इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर हम कोई कंडीशन प्रेजेंट करते हैं तो इसके दो उत्तर होता है, एक क्या है, आज ही मिल जाने वाला कुछ केसेस, और एक इन फ्यूचर मिलेगा। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर आप रखते हो तो क्या होता है, कहाँ मिलता है आपको, फ्यूचर में वो देखने को मिलता है। समझ में आया ये चीज, इसी था, ये कोई दिक्कत नहीं, ये एक टाइप ऑफ कंडीशनल है, पहला कंडीशनल ये, ठीक है, क्या वो मुझे नहीं लगा है, याद है सर, आज हम सोचे छुट्टी देंगे, आरबीआई का परीक्षा है, दोबारा पढ़ाना होगा, क्या प्रैक्टिस करवा। दूसरा और
इम्पोर्टेंट देखो इनडेफिनेट आपने प्रेजेंट का सीखा सर, एक क्वेश्चन था इनडेफिनेट किसका सीखा बोलिए सर, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन रिमेंस का जगह विल रिमेन रहता तो गलत हो जाएगा सर ये सेंटेंस। स्कूल विल रिमेन क्लोज, अब आप सोचो ना कि अगर बारिश आज होती है तो स्कूल को आप फ्यूचर में बंद करोगे, ये घटना आप सोच के देखो, ऐसा करेंगे क्या? नहीं तो सर, तो अभी भी हम करेंगे तो फ्यूचर के लिए ही करेंगे ना सर, तो इसमें विल लगा सकते हैं। अगर बारिश आज होती है तो आप स्कूल कब बंद करिएगा? अभी ही करेंगे, अभी ही करेंगे, यही उत्तर है इसका। ठीक है चलिए नेक्स्ट। जैसे आज बारिश हो रही है, हमको छुट्टी अभी देना चाहिए ना कल देना चाहिए, लेकिन हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है देखो नेक्स्ट, अभी हम डिस्कस करेंगे, अभी थोड़ा सा पहले चैप्टर को क्लियर कर ले, उसके बाद कुछ वेरिएशन इस बार हम डिस्कस करेंगे, तुम लोग को अच्छा लगेगा। नहीं वो तुम्हारे से पुराना बैच है, उसमें नहीं हुआ था, इसमें हुआ था, और इस बैच में और कुछ नया मिलेगा, चिंता मत करो अभी। चलो वो फर्स्ट बैच नहीं, सेकंड बैच, थर्ड बैच, आप लोग थर्ड हैं, ये लोग शायद फोर्थ या फिफ्थ है, ये लोग सिक्स्थ। चलो इसके बाद स्टार्ट करो। देखो ये एक मोटा मोटा क्लॉज था, अब इसको थोड़ा सा लिखते हैं, उसके बाद का वेरिएशन आप समझोगे कैसे करना है। मान लो ये आपका कंस्ट्रक्शन, ये कंस्ट्रक्शन है ना, कौन सा टेंस है ये? प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपने कंडीशन रखा, रिजल्ट आप कहाँ देना चाह रहे हो? सिंपल फ्यूचर में रिजल्ट देना चाह रहे हो, देना चाह रहे हो या नहीं बोलो? Yes, अभी ये डिस्कस किया ना हम लोगों ने, इसमें एक छोटा सा वेरिएशन हम करते हैं। मान लीजिए आपने कंडीशन को पास्ट में रखा, हम ग्रामेटिकल भी आपको डिस्कस करके बताएंगे और उसका यूज भी समझा रहे हैं। आपने अगर इसी कंडीशनल क्लॉज को, इस वी वन को चेंज किया पास्ट में, तो आप अब सोच के देखो कि अगर आपने कंडीशन को पास्ट में शिफ्ट किया तो जो रिजल्ट क्लॉज है उसका जो वर्ब का नेचर है वो भी पास्ट में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। तो क्या इसीलिए हम इस सेल को शुड में और विल को वुड में कन्वर्ट करके चलाते हैं? कुछ लोगों को ये पता होगा कि शैल को जब शुड में कन्वर्ट करते हैं तो वी वन को ही रिटेन किया जाता है। क्यों? क्योंकि देखो वर्ब का मतलब ये पूरा हिस्सा होता है, ये पूरा इंटायर जो पार्ट है ये आपका वर्ब है, जिसके दो पार्ट हैं, एक ऑक्सिलरी और दूसरा मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। अगर आप इसके टेंस को चेंज करना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ इस पार्ट को बदल दो, पूरा का पूरा वर्ब चेंज हो जाता है अपने आप, आपको इसके वर्ब को दोबारा चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब अगर शैल विल वी वन को चेंज करना है पास्ट में तो शुड या वुड वी वन कर दो, वो वेरिएशन क्रिएट हो जाता है, समझ में? इसलिए शुड या वुड के साथ वी टू का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि डबल पास्ट हमको नहीं करते, समझ में? डबल पास्ट करने के लिए हमारे पास क्या है? पास्ट परफेक्ट, डबल पास्ट करने के, समझ में आया? हैड लगा था, हम ये क्यों करेंगे, समझ में आई बात? तो ये समझिए, तो इसका बहुत सिंपल सा बात है कि अगर आपको पास्ट में कंडीशन क्रिएट करना है तो आप क्या करोगे? शैल और विल को शुड और वुड में कन्वर्ट कर दो। ठीक, इसके आगे बढ़ेंगे। मान लो आपको अभी जब डबल पास्ट वाला कॉन्सेप्ट क्रिएट हुआ, मान लो आपको जो करना है कंडीशनल क्लॉज वो किसमें करना है? पास्ट परफेक्ट में करना है। सपोज पास्ट तो हमने बना दिया ना, देखो डबल पास्ट किसको बोलते हैं? पास्ट विथ परफेक्ट नेचर, मतलब पास्ट की घटना जो पास्ट में खत्म हो चुकी है, इसी को डबल पास्ट बोलो, या फिर परफेक्ट नेचर का पास्ट बोलो, मतलब पास्ट में एक घटना जो खत्म हो चुकी है, जो अभी तुम कंफ्यूज कर रही थी। तो अभी जो हम करेंगे, देखो पास्ट हमने डिस्कस किया, अब हम क्या कर रहे हैं? हैड विथ का मतलब क्या होता है? ये घटना पास्ट में भी खत्म हो चुकी है, ये घटना पास्ट में भी कंप्लीट है, खत्म हो चुकी है, हमने पास्ट का पास्ट बनाया बेसिकली। तो ये क्या होगा अब बताओ? इसके अंदर तो ऑलरेडी पास्ट का नेचर है, हमको ऐड क्या करना है उसमें? उसमें परफेक्ट लाना है, पास्ट का नेचर तो इसमें ऑलरेडी है, आपने अभी पास्ट बनाया इसको, आपको इसमें क्या जोड़ना है? परफेक्ट नेचर ऐड करना है। कैसे जोड़ेंगे? बहुत सिंपल सा है, शुड और वुड जो है वो तो रहेगा, इसमें आप क्या लगा लो? हैड लगा लो, और वी थ्री तो हैड के साथ आता ही है, तो ये तीन कंडीशनल आपको आज सीखना है। इस पे ठीक है, समझ आ रहा है? ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? हाँ
यस सर, आप लोगों को समझ में आ रहा है? अब हम इस पे बात करते हैं, कुछ एग्जांपल लेके मैं बात करूंगा और उसके बाद वेरिएशंस पे बात, ठीक है सर? इधर राइट साइड क्या लिखे सर, देख नहीं रहा अच्छा से नीचे में। हाँ यहाँ पे थर्ड वाला सर, मिटा के नीचे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यस सर, शुड वुड के साथ आपको क्या जोड़ना था बताइए, तो बोल के बताइए। इसके साथ परफेक्ट नेचर जोड़ना था ना, तो परफेक्ट के लिए क्या आएगा, हैव आएगा ना, हैव वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, और तो कुछ नहीं है, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा एग्जाम्पल देखो, इसके पास फिर आगे घर जाना है, पहुंचते समय सोचना पड़ता है कि भीगे हैं कि क्या करें, घर जाते समय क्या सोचना। देखो एक एग्जांपल यहाँ देखिए, इफ आई हैड मनी आई वुड लेंड इट टू यू, एक एग्जांपल देखो, ये कौन से टेंस में है, पास्ट परफेक्ट है या इंडेफिनिट है? ये पास्ट, पास्ट परफेक्ट है, परफेक्ट है, दिख रहा है, परफेक्ट है। सबसे अच्छा बात आपका ये बताइए, एक मिनट होल्ड करिए, ये हमारा क्या है सब्जेक्ट है, ये हमारा क्या है ऑब्जेक्ट है, ये हमारा क्या है वर्ब है ना, ये परफेक्ट कब होता है, जब इसके पास have plus v3 होता तब तो ये परफेक्ट नेचर होता। ये तो हमको दिख रहा है कि सिर्फ और सिर्फ had का इस्तेमाल है, मतलब ये बेसिकली मेन वर्ब है, इसका नेचर क्या है, पोसेशन है। यहाँ पे had का इस्तेमाल वर्ब ऑफ पोसेशन के लिए हुआ है, किसके लिए हुआ है, आपको मालूम है ना, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है, मतलब कलम का होना ये वर्ब ऑफ पोसेशन होता है, had या had अब जो इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे ये V2 वाला एग्जांपल ही है, had V3 वाला एग्जांपल नहीं है, ठीक है। तो पास्ट में आपने जब लगाया तो इस तरफ आपको क्या करना था, आई वुड करना था, शैल विल की जगह क्या करना था, वुड करना था, और इस तरफ लैंड करना था V1, सही है। अभी अभी नहीं करा रहे, अभी समझा रहे एग्जाम्पल पे क्या एग्जाम्पल फिट होगा, ठीक है, समझ में आइए। इसी को जब परफेक्ट बनाना है तो कैसे बनेगा, If I had had money, देखो subject had, और ये V3 have का third form main verb, और ये हमारा object, ठीक है ना, past perfect में if I had had money, पहला वाला जो had है वो तो has have वाला had है, और दूसरा वाला जो had है वो main verb का third form है, मतलब वर्ब ऑफ पोसेशन का थर्ड फॉर्म है, समझ में आया, जो यहाँ पे वर्ब ऑफ पोसेशन आपने इस्तेमाल किया उसी का इस्तेमाल यहाँ किया गया, समझ में आया। इफ आई हैड हैड मनी, समझिए दो बार हैड का इस्तेमाल हो रहा है, कोई इशू नहीं है ना, तुमको समझ में आया, ए तुम लोग को समझ में आया, ये वाला उधर समझ में आया। इफ आई हैड हैड मनी क्या होगा बोलो, इस सेंटेंस को तुम लोग कंप्लीट करो, वुड हैव आई वुड हैव गिवन इट टू यू, क्या लगाया, वुड लगाया, यहाँ पे पास्ट के साथ परफेक्ट है तो वुड के साथ क्या जुड़ेगा, हैव लगेगा, और लेंट इसमें बदल जाएगा लेंट में, यानी कि आई वुड हैव लेंट इट टू यू, यही तो हाँ पास्ट परफेक्ट में हम लेके चले। और कोई इशू, थर्ड फॉर्म बोला आपने वुड हैव के साथ में, थर्ड ये वाला हट समझ में आया था, सुनो वो छोड़ो, ये हैव हैव का मतलब क्या होता है, मेन वर्ब के फॉर्म में अगर हैव का मतलब क्या होता है, जैसे मतलब गो का मतलब क्या होता है, चलना, अगर तुम्हारे पास कुछ है उसके लिए जो वर्ड है वो क्या है, जैसे यू हैव अ बॉटल, तुम्हारे पास एक बॉटल है, तुम्हारा है, तो ये जो हैव है इसका मतलब क्या होता है, होना, तुम्हारे पास होना, जैसे बोलोगे आई हैव अ बाइसाइकिल, मेरे पास एक साइकिल है या बाइसाइकिल है, Have का मतलब होना, जैसे बोलते ना he is a good boy, यहाँ is का मतलब क्या है, is वहाँ main verb है, is का मतलब होना, वह एक अच्छा लड़का है, वह subject है, अच्छा लड़का, अच्छा मतलब adjective, लड़का मतलब noun, वो तो object बना, main verb क्या है,
अच्छा लड़का है वो जो है वो मेन वर्ब है. ही इज वो इज क्या है वो मेन वर्ब. उसी तरह से हैव क्या है मेन वर्ब है. इसको बोलते हैं वर्ब ऑफ पोसेशन. ठीक है ये मेन वर्ब के तरह बिहेव करते हैं. ये समझ में आया. अब तुम परफेक्ट टेंस याद करो. परफेक्ट टेंस में क्या करते हो हैज हैव वी थ्री लगाते हो. वो जो हैज है वो ऑक्सिलरी वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है जो क्या क्रिएट करता है परफेक्ट नेचर. परफेक्ट नेचर का मतलब एक ऐसा इवेंट जो शुरू हुआ और खत्म हो गया इसलिए उसको परफेक्ट बोलते हैं क्योंकि वो कंप्लीट है. वो एक्शन कंप्लीट हो चुका है. जो चीज कंप्लीट होगा वो खत्म होगा. तो कोई चीज शुरू हुआ जैसे आप बोलते मैं बाजार जा चुकी हूँ मतलब क्या होता है आपने जाना शुरू किया और आप जा चुकी है मतलब एक्शन कंप्लीट है इसीलिए उसका नाम है परफेक्ट. परफेक्ट वर्ड को समझो. परफेक्ट कौन होता है जो कंप्लीट होता है. तो आप जब हैज है बोलते हो उसका मतलब ये होता है कि परफेक्ट टेंस. तो ये जो हैज ये जो यहाँ पे जो तुमको हैड दिखता है ये देखो हैव का सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट परफेक्ट. ये परफेक्ट नेचर क्रिएट कर रहा है ना लेकिन पास्ट में हैव प्लस वी थ्री क्या बनाता है प्रेजेंट परफेक्ट. हैड प्लस वी थ्री क्या बनाता है पास्ट परफेक्ट. पास्ट में कोई एक्शन कंप्लीट हो गया. जैसे अगर मान लो तुम कल्पना मतलब किसी को सुना रही हूँ कि जब मैं कुछ भी एक ऐसा जब मैं बाजार जा रही थी तो मुझे कुछ मिला था. तो देखो वो एक्शन पास्ट में तुम कहानी सुना रही हो उसमें कुछ पास्ट है. समझना रहा है पास्ट में कोई चीज कंप्लीट हो चुका है. मैंने चॉकलेट खा लिया था जब मैं बाजार जा रही थी मैंने चॉकलेट खा लिया था तो मेरे भाई ने मुझे बहुत पीटा. मतलब क्या पास्ट में आप कोई काम कंप्लीट कर चुके हो है ना. वो पास्ट परफेक्ट होता है मतलब पास्ट में जब आप कहानी सुनाते हो सिंपल घटना पास्ट में कहानी सुना रहे हो उसमें कुछ कंप्लीट हो गया. समझ में जैसे मेरा घर बन गया था. समझते हो. तो ये आपका पास्ट का परफेक्ट वाला ऑक्सिलरी है हेल्पिंग वर्ब. और ये क्या है ये वर्ब ऑफ पोसेशन है उसका देखो थर्ड फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं. हैव का क्या होता है समझ में आया अभी. इसलिए दो बार हेड का इस्तेमाल एक बार ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब के लिए दूसरे बार मेन वर्ब के लिए. आप लोगों को समझ में आया जो लोग ऑनलाइन में है. यस सर. तो हमने तीन तरह का कंडीशनल अभी फिलहाल देखा. एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसका उत्तर हमने किसमें देखा दो तरह से देखा. एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का उत्तर प्रेजेंट इंडेफिनिट में दूसरा उसका उत्तर सिंपल फ्यूचर में देखा शैल विल लगा के इफ आई कम टू दिल्ली आई विल मीट यू. ठीक है दूसरा हमने देखा कि जब हमने पास्ट इंडेफिनिट का कंडीशनल रखा. पास्ट इंडेफिनिट का कंडीशनल कुछ लोगों को लग रहा होगा ये तो परफेक्ट है नहीं ये हैव का सेकंड फॉर्म है वी टू के फॉर्म में. इफ आई हैड मनी तो आई वुड लेंड इट टू यू. देखो यहाँ पे शैल विल जो था वो वुड में कन्वर्ट हो गया क्योंकि वी वन जो था वो किसमें चला गया. ठीक है तीसरी तरफ हमने देखा कि अगर हम पास्ट परफेक्ट लगाते हैं तो इस पास्ट में एक परफेक्ट नेचर ऐड करना होगा वुड के साथ हैव प्लस वी थ्री जोड़ देना होगा. ये पूरा का पूरा कंडीशनल का बेस तैयार है. ठीक है इसमें कुछ वेरिएशन करके हम सीखेंगे. क्या रहने दीजिए अभी तो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है. नहीं यहाँ से आपका ये चैप्टर ये सिर्फ और सिर्फ इसका समझिए कि अभी खांचा तैयार हुआ. अब आपको करना है इसका असली का इस चैप्टर का चार पांच एग्जांपल समझ में आया. बंगला में खांचा बोलते आप थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है ध्यान से सुनना है. ठीक है अभी तक तो सबको सब कुछ आता था मान के चलते हैं कंडीशन मैक्सिमम लोग आते हैं. यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें स्टार्ट होंगी. देखो ध्यान इफ इट रेन्स अभी क्या था ना एक एग्जांपल इफ इट रेन्स. देखो अगर बारिश होती है क्या होगा स्कूल बंद रहेगा या फिर आपने मुझे एग्जांपल देखा वो ठीक है. यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं द स्टूडेंट हैज नॉट कम विल नॉट कम. अभी देखो वेरिएशन स्टार्ट कर रहे हैं मजा आएगा. आपने अभी क्या सीखा था सिंपल इंडेफिनिट मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल करोगे तो उसका उत्तर आप कहाँ दोगे
सिंपल फ्यूचर में उत्तर दोगे, सीखा था ना मैंने, बस कुछ नहीं किया। इफ इट रेन्स, अगर आप उस अभी किसी ने पूछा था कि विल लगा देंगे तो क्या होगा, स्कूल विल रिमेन क्लोज, यही पूछा था ना किसी ने प्रश्न है कभी ऑनलाइन में? यस सर। हाँ देखो क्या होगा समझो, इफ इट रेन्स अगर बारिश होती है मैं यहाँ विल लगा देता हूँ, विल लगाना शायद लगे स्टूडेंट्स तो क्या लगेंगे, विल लगना चाहिए। स्टूडेंट्स विल नॉट कम, अब मुझे ये बात बताओ, होने को तो ये सिंपल फ्यूचर है लेकिन वाइब कैसा आ रहा है, फ्लेवर कैसा है? देखो ये श्योर इफेक्ट का फ्लेवर, ये रिजल्ट नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी तो करना है, लेकिन देखो स्टूडेंट्स विल नॉट कम, आप श्योर हो जा रहे हैं ट्रेन स्टूडेंट्स विल नॉट कम नहीं आएंगे, ऐसा क्या आपको यहाँ संभावना बता रहा है? इफ इट रेन्स तो आप यहाँ पे जो शैलविल कर रहे हो, यहाँ पे आप वो फ्लेवर क्रिएट नहीं कर पा रहे हो संभावना वाला, यहाँ आपको प्रोबेबिलिटी क्रिएट करना है, आप विल लगाओगे तो वो प्रोबेबिलिटी क्रिएट नहीं हो रहा है, उतना उस लेवल का नहीं हो रहा है, इसलिए इसके जगह पर अगर आप मे लगा दे तो क्या होगा? इफ इट रेन्स द स्टूडेंट्स मे नॉट कम, स्टूडेंट्स नहीं आएंगे, समझ में आया? ये प्रोबेबिलिटी वाली बात है। तो वो जो आपने कंडीशनल सीखा वो तो आप पॉइंट टू पॉइंट सीख गए, रूल टू रूल सीख गए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से आपका असली टेस्ट स्टार्ट होता है। जब आप कंडीशनल बनाते हो आपको एज पर सिचुएशन खुद को ऑग्ज़िलरी वर्ब के साथ एडजस्ट करना सीखना पड़ता है। ये मूड पे बात हो रही है, समझो ये सेंटेंस के मूड पे हम बात कर रहे हैं। स्टूडेंट्स मे नॉट कम, जैसे स्कूल के साथ कोई संभावना नहीं है, स्कूल विल अगर आप लगाते हो, इफ इट रेन्स स्कूल remains, the schools remain closed या school remains closed, जो भी है वो fixed है। देखो स्कूल का बंद होना तय है क्योंकि एक आदमी बंद करेगा, स्टूडेंट्स के साथ प्रोबेबिलिटी है कि कुछ बच्चे आएंगे कुछ बच्चे नहीं आएंगे, तो ये इनडेफिनिट में लिखा नहीं जा सकता था, बच्चों की बातें आप इनडेफिनिट में नहीं लिख सकते थे, स्कूल का बात आप इनडेफिनिट में लिख सकते हो, इसलिए जहां पर एक एग्जाम्पल ये लेता है, इफ इट रेन्स The school remains closed, ये एकदम सही है। यहाँ अगर आप मे करते हो तो गलत होगा, क्यों? मे का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है, आप स्कूल बंद कर दोगे, अगर बारिश होती है आप स्कूल बंद कर दोगे, यहाँ संभावना वाली बात नहीं है, लेकिन ऊपर वाले में अगर बारिश होती है बच्चे नहीं आएंगे, क्या आप श्योर है बच्चे नहीं आएंगे? कोई आ जाएगा तो आ ही सकते हैं ना, आप लोग आए हैं बाकी लोग नहीं आए, कुछ बच्चे आ जाते हैं, सीखना होगा ये जो मूड है सेंटेंस का, ये मूड सीखना होगा, इसके लिए नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे अगले शनिवार को, एक ब्रांड न्यू चैप्टर ऑक्सिलरीज का स्टार्ट करेंगे, ठीक है? समझ में आया? हेल्पिंग वर्ब का पूरा एंटायर चैप्टर पढ़ाएंगे ताकि ये जो मूड है, तुम लोगों का पढ़ा हुआ है ना मेरे पास, हाँ देखेंगे कितना याद है, ठीक है? तो ऑक्सिलरी का चैप्टर दो दिन लगेगा, दो दिन में ही पढ़ाएंगे, लंबा चैप्टर है लेकिन हाँ बहुत जरूरी है पढ़ना, नहीं उसके बिना काम नहीं चलेगा, चार दे चाहे पांच दे, ठीक है? हम हाँ देखो सीखी है बोले अलग नहीं कह रहा था, आप लोग का इंटरप्रिटेशन सही नहीं है, तो ये समझ में आया, ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया? ऑनलाइन समझ में आया? एक चीज और देखो, If the fog does not clear, the plane dash get late, क्या करोगे? सोच के बताओ, ये ऐसा इवेंट है क्या? इंडेफिनेट का उत्तर इंडेफिनेट में देने वाला श्योर है? सोच करें, अगर ये फॉग को क्या बोलते हैं इंडिया में? कोहरा बोलते हो, धुंध बोलते हो, फॉग को कोहरा बोलते हो, धुंध कोहरा बोलते हो, कोहरा कोहरा अच्छा है, धुंध के लिए स्मॉग वर्ड, ठीक है? ओस अलग है, उसके लिए ड्यू वर्ड होता है, ओस का मतलब क्या होता है, कोहरा का मतलब क्या होता है, धुंध वो जो तुम लोग बोल रहे हो फॉग्स, छोड़ो यहाँ तो फिजिक्स
इफ द फॉग डज नॉट क्लियर, अगर फॉग का मतलब यहाँ कोहरा से है, और कोहरा मतलब कुहासा जो तुम लोग बोल रहे हो, ठीक है, उसी को तुम बहुत ज्यादा अगर काला वाला पोर्शन आ गया तो उसको धुंध बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली ये फॉग और स्मॉग में यही अंतर होता है। अगर छोटे छोटे गंदे पार्टिकल्स पानी के ड्रॉपलेट्स के ऊपर इकट्ठा हो जाए तो वो स्मॉग बनता है, और अगर सिर्फ पानी का ड्रॉपलेट है जिसको आप लोग कुहासा बोलते हो या कोहरा बोलते हो वो फॉग है। तो फॉग के लिए कोहरा वर्ड प्रॉपर है। अगर कोहरा नहीं छटता है तो प्लेन क्या होगा, संभावना होना चाहिए। तो आपको अब फ्लेवर मूड समझ में आ रहा है, क्या करोगे, क्या मैं लगाओगे ना, जरूरी तो नहीं है कि मान लीजिए कि कोई एक बहुत अच्छा पायलट है वो कोहरे के दौरान भी प्लेन को टाइम पे उतार सकता है कि नहीं, तो फिर विल गेट लेट कैसे आप श्योर होके बोल दे रहे हो। विल तो विल एक तरफ विल प्रोबेबिलिटी बताता है, फ्यूचर में बताता है कि होगा, उसका दूसरा पक्ष ये कि थोड़ा श्योर है वो, आप देख के आप समझ नहीं पा रहे हैं। द प्लेन विल गेट लेट मतलब आप श्योर है कि लेट हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी के भी तीन स्तर होते हैं, एक जो मोस्ट श्योर होता है जैसे विल गेट लेट, एक होता है जैसे मे वाला, और एक होता है माइट वाला जिसमें एकदम संभावना कम रहता है, बोलते हो ना। तो ये तीन लेवल पे प्रोबेबिलिटी काम करता है, एक जो एकदम श्योर के तरफ है, एक जो एकदम नहीं होने के श्योर के तरफ है, और एक जो प्योर प्रोबेबल मतलब उसमें आपको कुछ नहीं मालूम। तो ये वो वाला केस है, प्योर प्रोबेबल। इसीलिए तो विल मे और माइट, विल मतलब होगा, श्योर के तरफ प्रोबेबिलिटी है, माइट का मतलब नहीं होने के तरफ प्रोबेबिलिटी, और मे का मतलब आपको नहीं मालूम होगा कि तो ये तो वही वाली केस है ना, आपको नहीं मालूम, 50% वाला केस है। The plane may get late. चलो और लिखो, और लिखो। If you finish the work, ये वाला पिछले साल कराए थे सब, कराए थे वक्त नहीं कर। If you finish the work, you dash क्या करोगे, सोच के देखो। अगर तुम काम समाप्त कर लेते हो, देखो कंडीशनल को थोड़ा अब एब्जॉर्ब करके सीखो, बड़े हो गए, दो तीन साल से पढ़ के बड़े हो गए, ठीक है। इफ यू फिनिश द वर्क, अगर तुम काम खत्म कर लेते हो, फर्स्ट टेंस है यहाँ। पूजा बहुत अच्छा बोली, यू कैन गो नाउ भी चलेगा, यू मे गो नाउ भी चलेगा, दोनों चलेगा, ठीक है। एक फॉर्मल और दूसरा इनफॉर्मल, बोले थे ना मे आई कम इन, कैन आई कम इन, याद है कैन और मे का अंतर मालूम है, क्या अंतर है, मे लगेगा, यू मे गो नाउ, मे तो ये इनफॉर्मल और ये फॉर्मल नेचर पे, ठीक है। इफ यू फिनिश द वर्क, अगर आपकी मम्मी बोलेगी तो क्या बोलेगी, यू मे गो नाउ या यू कैन गो नाउ, कैन बोलेगी आपकी मम्मी, काम कर लो फिर चल जाओ। लेकिन वही आपके टीचर क्या बोलेंगे, इफ यू फिनिश द वर्क यू मे गो नाउ, तुम जा सकते हो, समझ में आया। ये इनफॉर्मल और फॉर्मल मतलब आप कैन भी लगा सकते हो, आप मे भी लगा सकते हो। अभी जो शैल विल तक सीमित था टॉपिक, वो टॉपिक कितना आगे बढ़ रहा है दिख रहा है मूड के हिसाब से, सिर्फ शैल विल ही नहीं, कैन मे इससे भी काम चला सकते हैं, है ना। इसलिए चैप्टर इजी है लेकिन फंसाने लायक भी है, मतलब देखो। If you want to remain healthy, if you want to remain healthy, अगर आपको क्या रहना है, healthy रहना है, you dash exercise, क्या करोगे, एक मिनट थोड़ा आप लोग ऑनलाइन में होल्ड करिएगा, ठीक है।
यहाँ विल लगेगा, यू विल एक्सरसाइज रेगुलरली। खेलकूद करवा दे रहे हैं। देखो इसे अभी दिख रहा है क्या आप लोगों को ऑनलाइन में? बहुत दिख रहा है जी सर, क्लियर है। इफ यू वांट टू रिमेन हेल्दी, अगर आप क्या रहना चाहते हो, स्वस्थ रहना चाहते हो, क्या होगा? शुड जो सर शुड शुड ना, देखो आप ये मत सोचो कि यहाँ पे तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, हमको शैल लगाना है, ऐसा नहीं है। यहाँ जो शुड दिख रहा है, क्या ये पास्ट क्रिएट करने के लिए है? नहीं, सिर्फ और सिर्फ मूड बता रहा है। कैसा मूड? एडवाइज वाला मूड है। यहाँ कैसा मूड? परमिशन वाला मूड है। यहाँ कैसा मूड? प्रोबेबिलिटी वाला मूड है। तो आपको टेंस डिसाइड करना है, साथ ही साथ मूड मेंटेन करना है। यू मस्ट एक्सरसाइज, आप कंपल्सन क्रिएट करेंगे। इफ यू वांट टू रिमेन हेल्दी यू मस्ट एक्सरसाइज, ये आपकी सोच है, ऐसा लिखना अच्छा नहीं। मान लीजिए आप बिना एक्सरसाइज के भी पहन नहीं कर सकते हैं। सर हैव टू लिख सकते हैं, कैन सर, यू शुड। ये एडवाइस का टॉपिक थोपा नहीं जा सकता, मोदी जी मत बने, है ना? जो एडवाइस देने लायक है वो एडवाइस दीजिए, थोप नहीं सकते। क्लियर है मैटर? तो देखो, एक मैंने यहाँ जितना भी कंडीशनल क्लॉज यूज किया, रेंस रेंस डज नॉट क्लियर, फिनिश द वर्क, want to remain healthy, सारा का सारा present indefinite use में है, जिसका result clause एक बार may से आया, एक बार remain से दिख रहा है, may से, can, may, should, सब आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये वीडियो नहीं आ रहा, समझ पाए हो? तो ये सारी बातें एक बार फिर क्लियर होगी नेक्स्ट वीक में, जब हम लोग क्या बात करेंगे, मॉडल ऑक्सिलरीज पे काम करेंगे, कल चैप्टर पे प्रैक्टिस करेंगे, कंडीशनल का और कंजंक्शन का दोनों का कंबाइन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? हाँ, सिर्फ कल प्रैक्टिस होगा, ठीक है? दोनों चैप्टर का इंटायर पीडीएफ प्रैक्टिस किया जाएगा कल, और अगले शनिवार को, अभी टॉपिक खत्म नहीं हुआ, मतलब अभी टॉपिक बचा है, अगले शनिवार को हम लोग मॉडल ऑक्सिलरीज पे काम करेंगे, ठीक है? दो तीन टॉपिक और है करा दे एक बार, तो मोटा फंसा रहेगा। इतना अच्छा मौसम है, ठंडा ठंडा घर जाना, बारिश हो ही रहा है, बारिश हो क्या? सर एक क्वेश्चन है सर, बोलिए सर, अगर पास्ट में इफ इट वाज नॉट यू, हु वाज इट, ऐसे करे तो फिर हो सकता है कंडीशनल में, या फिर इट वाज नॉट यू, हु वुड इट हैव बीन करना पड़ेगा? बोलो, बोलिए क्या बोला है, फिर से एक बार बोलिए सर। पास्ट में इफ इट वाज नॉट यू, हु वाज इट, हो सकता है दोनों सिंपल में, सिंपल पास्ट में? हाँ, इसमें क्या समस्या है? नहीं हो सकता इसमें, इस तरह के चीजों में कोई दिक्कत ही नहीं। आप कंडीशनल को बांधिए मत, मेरा कहने का सिंपल सी बात है। आपने तो कि एक ही पार्ट पूछा, लिफ्ट क्या पूछा आपने, फिर से बार पूछिए। इफ इट वाज नॉट यू, हु वाज इट, या इफ इट वाज नॉट यू, हु वुड इट हैव बीन, इन दोनों में अलग है ना दोनों? पहली बात, इफ इट वाज नॉट यू ये बोल रहा है ना? Yes, sir. इट का इस्तेमाल तो पहले गलत है, ठीक है? पहला चीज, इट का इस्तेमाल करेंगे आप लिविंग के लिए, इट वाज मी बोलते हैं ना, तो आपने क्या बोला, इट वाज यू। यस सर। चलो तो देखिए, यहाँ पर इसका इस्तेमाल आराम से कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये कंडीशनल है ही नहीं। आप इसको कंडीशनल के फॉर्म में सोच रहे हैं, कंडीशनल तो है नहीं। यहाँ पे बोला गया कि अगर आप, अगर वो आप नहीं थे तो कौन था, ये कंडीशनल नहीं है,
कंडीशनर की तरह से इसको पूछना है। और दूसरा प्रश्न क्या था आपको? Sir, who would it have been? If it was not you, who would it have been? Conditional में yes. एक बार फिर से बोलिए तो प्रश्न आता है। सर इफ इट वॉज नॉट यू हु वॉज इट होगा कंडीशनल में यही था क्वेश्चन। ये कंडीशनल है नहीं ना। यस वही कंफ्यूजन हो गया था सर। एक बार फिर से बोलिए तो यस इट वॉज नॉट यू। अगर ये वो आप नहीं थे बोलिए फिर उसके बाद Who was it? सुन ले क्या बोले तो? Who was it? Who was it? Who was it तो होगा नहीं, यहाँ पे ही करना होगा। आपने जो बोला it ना यहाँ पे? Yes sir। हाँ ये तो it that कर सकते हैं that। Actually that का इस्तेमाल आप सबके लिए करते हो, कर सकते हो। That चलेगा लेकिन it नहीं चलेगा। अगर आप ये बोलो इफ इट वॉज नॉट यू, ठीक है, अगर आप वहां आप वो नहीं थे तो कॉमा लगाओ, हु वॉज दैट करो, ठीक है। yes. अगर तुम नहीं थे तो वो कौन था इस सेंस में? बिल्कुल इस तरह से हु वॉज दैट, ठीक है, और एक छोटा सा यहाँ पे इंटरोगेशन साइन लगा दो। ओके okay, सर। ये जीरो रिजल्ट पूछने के जैसा कुछ तो हमें परफेक्ट सेंटेंस बनेगा। इफ इट वाज नॉट यू हु वाज दैट, एक पॉज लेना जरूरी है, इसलिए कॉमा रखें। आप इसको कंडीशनल के तौर पे देखो, जज करो, ठीक है, लेकिन हमको ये कंडीशनल नहीं देखना। सर ये जीरो कंडीशनल का क्या कांसेप्ट है सर? वही बात है ना अभी जो मैंने डिस्कस किया कि प्रेजेंट का आंसर अगर प्रेजेंट में मिल जाए तो। कुछ लोग इसको जीरो कंडीशनल का डेफिनेशन देते हैं, ठीक है, वो आप लोग किसी किताब में आपने पढ़ा है ना जीरो कंडीशनल? यस सर। जीरो कंडीशनल मतलब जहां कंडीशन नहीं होता है, ठीक है, जैसे कि मैंने अभी बोला कि अगर प्रेजेंट का आंसर किस में दे दिया जाए, प्रेजेंट में दे दिया जाए, तो उसी को आप लोग क्या डिफाइन कर देते हो, बोल देते हो कि जीरो कंडीशनल, ऐसा कुछ सर? कुछ यूनिवर्सल मैंने जो पढ़ा था वो यूनिवर्सल ट्रुथ से रिलेटेड था सर, इसका मुझे एक्चुअली समझ नहीं आया। मैंने इसको भी कंसीडर करते हैं, जैसे मान लीजिए कभी कोई ऐसी बात जिसका होना एकदम निश्चित है, ठीक है, तो फिर उसके उसके स्थान पर आप कंडीशन क्रिएट नहीं कर सकते, वो तो एकदम वो कंडीशन में नहीं है। वो चैप्टर में आपको मिलेगा, जब मैं आपको पीडीएफ दूंगा ना उसको प्रैक्टिस करते समय मिलेगा, चिंता मत करिए। उसके लिए कल वाला क्लास है जहाँ पे अलग अलग तरह के एग्जाम्पल प्रैक्टिस करेंगे, मिल जाएगा। आपके पास है कोई एग्जाम्पल जिसमें आपने यूनिवर्सल ट्रूथ वाला देखा है? है तो बताइए। बस अरिहंत वाली बुक है सर इंग्लिश ग्रामर की, उसमें भी कुछ है, जीरो कंडीशनल है उसमें। अगर आपको एग्जाम्पल चाहिए कल वाले क्लास में पीडीएफ जो प्रैक्टिस करने देंगे उसमें मिल जाएगा, ठीक है, तो वहां पर उसको मैं डिस्कस कर दूंगा, ठीक है, ओके। चलिए तो प्रेजेंट का कितना वेरिएशन हो सकता है देखा आपने। अभी देखो एक सिंपल सी बात, कंटिन्यूअस और परफेक्ट को भी हमने श्योर इवेंट में रखा था ना, थोड़ा सा उसका देखो एकदम। इफ यू आर वेटिंग फॉर बस यू बेटर, बहुत आता ना ये वाला, टेक अ टैक्सी, ये वाला तो यू शुड बेटर करते हैं ना, मूड क्रिएट करने के लिए एडवाइस दे रहे हो, और बेटर भी बिना शुड के भी बेटर आ जाता है, कई बार अपने आप एडजस्ट हो जाता है वो मूड। इफ यू आर वेटिंग फॉर बस यू शुड बेटर टेक अ टैक्सी, समझो इस सेंटेंस को। ये सेंटेंस कैसा था? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में था। अब आप एक चीज सोच के मुझे उत्तर दो, अगर कोई काम अभी चल रहा है तो उसका उत्तर आपको अभी मिलेगा ना? बाद अभी मिलेगा, इसीलिए बहुत श्योर बात है कि जब भी कंडीशनल क्लॉज प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहेगा उसका रिजल्ट हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही देखने को मिलेगा। इसको आप कभी सिंपल फ्यूचर में नहीं ले जा सकते,
जबकि प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला जो कंडीशनल क्लॉज उसका रिजल्ट सिंपल फ्यूचर में जाता है, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अगर कोई घटना हो रही है, मान लीजिए आप कुछ कर रहे हो, जैसे यहाँ पे है इफ यू आर वेटिंग फॉर बस, अगर आप बस का इंतजार कर रहे हो तो अच्छा होगा आप टैक्सी ले लो, सेम टाइम फ्रेम में बात हो रही है ना, अलग टाइम फ्रेम तो लगा नहीं। इसीलिए कभी भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे अगर कंडीशनल है तो उसका रिजल्ट हमेशा किसमें मिलेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट उसी काल में मिल जाएगा, कभी नहीं जाएगा, जा ही नहीं पाएगा वो। देखे थे गलत देखे थे, ले आइए तो मूड आप समझ पाएंगे कि नहीं, ठीक है। दूसरा देखो, प्रेजेंट परफेक्ट का एग्जांपल देखो, इफ यू हैव फिनिश द वर्क, अगर तुमने काम खत्म कर लिया है, If you have finished the work, अगर तुमने काम खत्म कर लिया, इसका रिजल्ट अभी आएगा ना फ्यूचर में आएगा, सोच के जवाब दो, अभी तुरंत आएगा, तुमने काम खत्म कर लिया है, you may leave। निशा माई कौन है आपका? इसका उत्तर भी किसमें मिला? प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही मिला। तो एक चीज नोट किया आप लोगों ने, अगर हमारा कंडीशनल क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो उसके दो रिजल्ट आ सकते हैं, एक तो सिंपल फ्यूचर में, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अगर हमारा कंडीशनल क्लॉज प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो उसका रिजल्ट हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, अगर परफेक्ट में है तो उसका रिजल्ट भी फील करके देखो, जबरदस्ती नहीं है, किसमें आ रहा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ रहा है। अगर तुमने काम खत्म कर लिया तो अभी ना जाने बोलोगे कि कल जाने बोलोगे? ऐसे अगर तुमने आज प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर कोई काम खत्म हो चुका है तो तुम अभी कौन से टेंस में एग्जिस्ट कर रही हो? प्रेजेंट में हो ना, फ्यूचर में चली गई, तुम गई हो, तो नहीं गई हो तो लिखोगे कैसे? अभी नहीं, मतलब हम जो पूछ रहे हैं उसका आंसर दो। अगर प्रेजेंट परफेक्ट में तुम हो, इसका मतलब तुम अभी प्रेजेंट टेंस में हो ना, बाहर चली गई हो, तो अगर तुमको बात बोलना है तो अभी बोलना होगा ना, बाद में अभी बोलना होगा तो अभी लिखना होगा ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं होगा, प्रैक्टिकली दिख रहा है नहीं होगा, लेके आइए ना, हमको कोई चाप नहीं। समस्या मेरे साथ ये है कि हम रटते नहीं है एकदम, ठीक है, वरना हम रटने को फेवर करते हैं, इसलिए हमको किसी चीज का भय नहीं। इंग्लिश सीखने के लिए मजाक नहीं कर रहे हम, बढ़ाई नहीं कर रहे, तुम लोग एक एडवाइस, एक सिंपल एडवाइस है, इंग्लिश अगर सीखना है ना तो पहला चीज डरना छोड़ दो एकदम, अगर मान लो कि तुम ले आई हमसे नहीं बना तो क्या बिगड़ जाए? नहीं बना, ये एटीट्यूड अपने अंदर तुम लोग को लाना हो। मान लो एक एग्जांपल हम ट्राई किए, क्लास में बैठे, मान लो हमसे नहीं बना तो नहीं बना, क्या है, कोई इशू नहीं है, तो ये एटीट्यूड ले आना हो। तो तुमको हम सिखा रहे हैं तुमको कैसी इंग्लिश सीखना है, हम तो सीख चुके, ठीक है, तो तुम लोग को अगर सीखना है तो एक बहुत ही ऐसा एटीट्यूड ले आना होगा जिसमें आपको अगर नहीं आता है कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आप अपना जो बेस है, जिस तरह से आपका थॉट प्रोसेस है, उस थॉट प्रोसेस को बैक करना, आप अगर उसको बैक करोगे हो सकता है एक दो बार आप गलत हो जाए, लेकिन इतना जरूर है कि आप सीख जाओ, और अगर आप अपने 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 थॉट प्रोसेस को बैक नहीं करोगे ना तो कभी ग्रामर नहीं सीख पाओगे, हमेशा याद रहेगा, भूल जाओगे, फिर याद करोगे, फिर भूल जाओगे, नया क्वेश्चन आएगा वो कभी नहीं अटेंड करोगे, बोलोगे ये तो हम किए नहीं, ये नहीं अटेंड, ये रहता है ना दिमाग में, हाँ यही तो है कि हाँ गलती होगा, ये आना ही नहीं चाहिए, थॉट प्रोसेस जब आपका एक है, इंग्लिश ग्रामर पढ़ने का मतलब अपने एक थॉट प्रोसेस क्रिएट कर, ग्रामर को लेकर भले उसमें मेरा एक दो गलत हो जाए उसको फिर मॉडिफाई कर देंगे, थोड़ा और चेंजेस लाएंगे, ठीक है, चलो यहाँ तक ठीक ठाक है, इसके बाद दो तीन और है वो कर सकते हैं। देखो दो वेरिएशन आता है, एक वेरिएशन सिखा दे रहे हैं, दूसरा वाला भी बता रहे हैं। इफ का इस्तेमाल यहाँ क्यों किया गया है? इफ आई हैड मनी, ये वाला एग्जांपल था ना, आई वुड लेंड इट टू यू, ये वाला एग्जाम्पल आपने देखा, या इफ का क्या इस्तेमाल है, अभी हम समझाए थे ना, इफ क्या है, कंडीशन क्रिएट करने वाला, मतलब ये जो सेक्शन है, ये जो क्लॉज है,
ये तभी कंडीशनल है जब यहाँ पे क्या लगा है, इफ लगा है। इसके बिना अगर हम लिखे इस सेंटेंस को, इसके बिना लिखे, बिना इसके लिखे, तो ये कैसा सेंटेंस? देखो, आई हैड मनी, कैसा सेंटेंस है भाई? ये असर्टिव सेंटेंस है ना। आई हैड मनी, इसके बिना अगर इस सेंटेंस को लिखे तो सेंटेंस कैसा है? असर्टिव दिख रहा है, प्लेन सेंटेंस दिख रहा है, मतलब रैंक जीरो का सेंटेंस दिख रहा है, दिख रहा है ना? इसमें कोई भाव नहीं है, है नहीं। लेकिन हमने इफ लगाया तो यही वाला जो क्लॉज था आई हैड मनी, वो कैसा क्लॉज बन गया? कंडीशनल क्लॉज बन गया। ये इसका इंपॉर्टेंस है। इफ अगर हम आपसे बोले कि बिना इफ के कंडीशनल क्लॉज बनाओ, तुमको कंडीशनल क्लॉज बनाना है लेकिन इफ का इस्तेमाल नहीं करना है, तो बिना इफ के तो ये असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा, कंडीशनल क्लॉज बनेगा नहीं। कैसे करो? यहाँ पर आपको करना होगा एक चमत्कार जिसको हम क्या बोलते हैं, इनवर्जन। देखो, सेंटेंस के मूड को या रैंक को बढ़ाने घटाने के लिए एक ही फॉर्मूला इंग्लिश में, वो क्या है? इन्वर्जन। और इन्वर्जन भी कितने तरह का? दो तरह का, एक सिंटैक्शियल इन्वर्जन, एक मॉड्यूलर इन्वर्जन। सिंटैक्शियल इन्वर्जन का मतलब सिंटैक्स में बदलाव, सिंटैक्स का मतलब बनावट में बदलाव। बनावट सेंटेंस का क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, यही होता है ना, यही होता है ना। इसको थोड़ा सा सिंपल कर देते हैं आप लोगों के लिए। आई हैड हैड मनी कर देते हैं, परफेक्ट वाला। यहाँ पे वुड हैव लेंट कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा आसान हो जाएगा तुम लोगों को समझना। यहाँ पर ये क्या कैसा वर्ग है? इसीलिए तो वो नहीं है, इतना हमको चेंज करके बता देते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब और ये हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब, समझ आ रहा है? तो अगर इस तरह से आप एक सेंटेंस लिखते हो, इसके सामने आपको कंडीशनल बनाने के लिए क्या लगाना पड़ता है? हम आपसे बोल रहे हैं कि भाई तुम बिना इसके कंडीशनल बनाओ, इस नहीं लगाना। तो यहाँ पर आप करते हो बनावट में बदलाव। जनरल बनावट क्या है? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये आपका जनरल बनावट है। इस बनावट में अगर आप बदलाव कर दो तो सेंटेंस का रैंक बढ़ जाएगा। जैसा कि आप इंटरोगेटिव प्रश्न पूछते समय करते हो, क्या करते हो? इस ऑक्सिलरी को कहाँ लेके आते हो? सामने ले आते हो। सेंटेंस का नेचर असर्टिव से कैसा हो जाता है? इंटरोगेटिव, देखो रैंक बढ़ गया, बोल देते हो ना। तो सेम काम आपको करना है। आपको अगर कंडीशनल बनाना है, आप इस हेड को उठाकर कहाँ रख दो? सामने। हेल्पिंग वर्ब कहाँ चला गया? देखो, नॉर्मल जो तरीका था कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, हम उसके ठीक विपरीत कर रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लगा दे, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं? इन्वर्जन। और कैसा इन्वर्जन? बनावट में इन्वर्जन। इसलिए इसका नाम क्या होगा? सिंटैक्शियल इन्वर्जन, जिससे आपका सेंटेंस का जो रैंक है, जो इमोशन है, वो क्या हो रहा है? बढ़ जा रहा है। तो हैड आई हैड मनी, उसके बाद आई वुड हैव लेंट इट टू यू, मतलब बिना इसके भी कंडीशनल क्लॉज बनाया जा सकता है। आपको ऑक्सिलरी को उठा के कहां लाना होगा? सामने। इस वाले एग्जांपल में क्या समस्या था? इसमें ऑक्सिलरी था क्या? था ही नहीं, खाली मेन वर्ब था। आप उठा के ला सकते थे बाहर? नहीं ला सकते थे। इसलिए हमने थोड़ा सा इसमें क्या किया? ट्विस्ट किया और आपके सामने ये वाला एग्जांपल दिया। और समझ में आया? ठीक है, समझ में आया ये चीज? तो ये ऐसे कर सकते हैं। अभी एक देखो, एक छोटा सा एग्जांपल देखो मॉड्यूलर इन्वर्जन का, उसके बाद नोट करना। इफ आई वॉज अ बर्ड, आई वुड फ्लाई इन द sky। ये सेंटेंस गलत है, सबको मालूम है। क्या गलती है? सुनो, आप पक्षी होते, क्या आप पक्षी हो सकते हो? नहीं हो सकते। आपको क्या करना होगा? आपको सिंटैक्शियल इन्वर्जन यहाँ नहीं अप्लाई कर सकते, या मॉड्यूलर इन्वर्जन अप्लाई करना। मॉड्यूलर इन्वर्जन का मतलब जो मॉडल वर्ब यूज होना चाहिए वो नहीं करके दूसरा लगा जो नहीं लगना चाहिए। जैसे आप बोलते हो आई के साथ शैल लगाते हैं, आई शैल गो टू द मार्केट, इसका मतलब क्या होगा? मैं बाजार जाऊंगा। फ्यूचर टेंस में आई के साथ शैल लगा। लेकिन आप अगर चाहते हो कि इसके इमोशन को बढ़ा देना कि मैं बाजार जरूर जाऊंगा, तो आई के साथ शैल लगता है, वो नहीं लगा के जो नहीं लगता है वो लगा। शैल की जगह विल लगा दो, इसको बोलते हैं उल्टा कर देना, इन्वर्जन कर देना। शैल की जगह विल का लगा देना, इसी को मॉड्यूलर इन्वर्जन बोलते हैं, क्योंकि मॉडल को हमने बदल दिया। आई विल गो टू द मार्केट, देखो अपने आप सेंटेंस का रैंक बढ़ गया,
इमोशन बढ़ गया, मैं बाजार जरूर जाऊंगा। आई वॉज ए बर्ड, सिंपल सेंटेंस ना, लेकिन आपको तो इमेजिनरी क्रिएट करना है। आई के साथ वॉज लगता है लेकिन यहाँ नहीं लगाएंगे, यहाँ जो नहीं लगता है वो लगाएंगे। आई के साथ क्या नहीं लगता, वेयर नहीं लगता, हम यहाँ वेयर लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमको इमेजिनरी क्रिएट करना है, समझ में, इन्वर्जन करना है। वॉज होना चाहिए लेकिन वॉज की जगह क्या लगा देंगे, इफ आई वेयर अ बर्ड आई वुड फाइंड द, मतलब इमेजिनरी, या फिर तुम इसको जितने नाम से पुकारो कर सकते हो। ये दो वेरिएशन याद रखना, एक में बिना इसके कंडीशनल बनाना, दूसरे में इमेजिनरी के लिए आई के साथ वेयर बनाना। यहाँ पे अगर तुम ये तो हम किए किस लिए, इसके पार्ट को इमेजिनरी बनाने के लिए। अगर इमेजिनरी बना के तुम इसको इफ भी हटाना चाहते हो तो वेयर को सामने लाओ, वेयर आई अ बर्ड, ठीक है, वेयर आई अ बर्ड, उसके बाद आई वुड फ्लाइंग द, वहां पे इफ भी हट जाएगा। एक बार मॉड्यूलर इन्वर्जन, दूसरे बार सिंटेक्शुअल इन्वर्जन, कंडीशनल भी अब्सॉर्ब। समझ में आ गया ये आप लोग को? ऑनलाइन में समझ में आया सभी को? यस सर। जी सर, आ गया समझ। जी सर, कल एक क्लास में हम लोग इसे पूरे एग्जांपल्स पे बात करेंगे, प्रैक्टिस सेशन रहेगा, कंडीशनल का और कंजंक्शन का दोनों का कंबाइंड प्रैक्टिस सेशन कल होगा। तो पीडीएफ आप लोग आज हम रात तक दे देते हैं, प्रैक्टिस करके रखिएगा। कल 5 बजे से इसका होता है ना, 5 से 6:30 तक का कल क्लास चलेगा, पूरा प्रैक्टिस कराएंगे।